Hello dear viewers, welcome to second video of DSSSB PGT computer science. So इस video series में हम solve कर रहे हैं 200 best MCQs in operating system. So अभी तक हम 50 questions upload कर चुके हैं, 50 questions के solutions. Next 50 questions you can find in this video. तो अभी operating system के बाद में हम start करेंगे computer architecture and organization. So let's move to the next question. Question number 51. Question number 51 says round robin scheduling falls under the category of which kind of algorithms? ठीक है, तो एक scheduling algorithm दो ही तरह की हो सकती है, या तो primitive होगी या non primitive. Primitive और non primitive का मतलब क्या है? अगर एक algorithm non primitive है, इसका मतलब ये है कि जो भी process वो algorithm select करेगी, वो process पूरी complete होने के बाद ही terminate करेगी. अगर कोई algorithm primitive है, primitive का मतलब ये है कि अगर कोई process select की है scheduling algorithm ने, वो प्रोसेस बीच में इंटरप्ट की जा सकती है. हो सकता है कि वो कंप्लीट होने से पहले ही उसे वापस रेडी क्यू में भेज दिया जाए. मे बी उससे हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, या फिर उससे लेट्स से कोई शॉर्टर प्रोसेस आ गई. तो हमारे पास में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हुई. राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में हमारे पास में क्या होगा, एक टाइम क्वांटम दिया हुआ होगा. टाइम क्वांटम कुछ टाइम दिया होगा लाइक दिस. इसका मतलब ये है इस टाइम क्वांटम का कि एक प्रोसेस इतनी देर के लिए रन करेगी एक बार में, फिर उसे वापस रेडी क्यू में सेंड कर देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे. तो राउंड रॉबिन एक प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, क्योंकि इसमें एक रनिंग प्रोसेस को हम इंटरप्ट कर देते हैं बीच में, टाइमर इंटरप्ट करता है इस प्रोसेस को. सो क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. क्वेश्चन नंबर 52. विद राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन ए टाइम शेयर्ड सिस्टम यूजिंग वेरी लार्ज टाइम स्लाइस कन्वर्ट्स इट इनटू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. Using very small time slice, convert it into first come first serve scheduling algorithm. Using extremely small time slices, increasing performance. Using very small time slices, convert it into shortest job first algorithm. Options क्या कह रहे हैं? किसी round robin algorithm में हमने जो time quantum दिया है, time quantum या time slice एक ही बात है, ठीक है? Time quantum और time slice same चीज है. तो अगर हम बहुत बड़ा टाइम स्लाइस ले रहे हैं, तो एल्गोरिथम तुम्हारी जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है वो एफसीएफएस में कन्वर्ट हो जाएगी. सेकंड कह रहा है अगर बहुत छोटा टाइम स्लाइस लेते हैं तो एफसीएफएस में कन्वर्ट हो जाएगी. सी कह रहा है अगर बहुत छोटा टाइम स्लाइस लेते हैं तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. डी कह रहा है अगर बहुत छोटा टाइम स्लाइस लेंगे तो एचडीएफएस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्गोरिथम. एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि सच क्या है. लेट से मेरे पास में कुछ प्रोसेस दी हुई है, उन प्रोसेस के साथ मुझे अराइवल टाइम दिया हुआ है और उनका बर्थ टाइम दिया हुआ है, ठीक है? सो लेट्स से मेरे पास प्रोसेसेस हैं लाइक दिस, P0, P1, P2, P3. इनका अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3. अराइवल टाइम मींस द टाइम एट विच द प्रोसेस कम्स इनटू रेडी क्यू, दैट टाइम इज नोन एज अराइवल टाइम. बर्स्ट टाइम मींस उस प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है. सो लेट्स से लेट टेक सम रैंडम बर्स्ट टाइम. सो ये बस टाइम है मेरे पास पे. अगर मैं टाइम क्वांटम लेता हूँ लेट्स से बहुत ज्यादा, पहले लेते हैं वेरी लार्ज. अगर मैं टाइम क्वांटम बहुत लार्ज लेता हूँ लेट्स से मैंने 10 नैनोसेकंड ले लिया, तो क्या होगा? अब प्रोसेस कैसे रन करेगी? प्रोसेस ऐसे रन करेगी. अगर मैं इसका जेन चार्ट बनाऊ, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस मिनिमम 10 नैनोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगी. तो एक प्रोसेस कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करेगी वो डिपेंड करेगा वो टाइम कितना ले रही है. अगर वो टाइम क्वांटम से ज्यादा ले रही है तो उसको इंटरप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एक बार में एग्जीक्यूट कर जाएगी. जैसे पहली प्रोसेस है P0, तो P0 अब टाइम स्लाइस कराएगा तुम्हें 10 सेकंड मिली एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन P0 कह रही है मुझे 8 सेकंड ही चाहिए, तो इंटरप्ट होगी ही नहीं है, 0 से 8 तक कंप्लीट कर जाएगी. फिर P1 आएगी, वो अपना आराम से 15 कंप्लीट कर जाएगी, 8 + 7 चाहिए इसको. उसके बाद P2 आएगी, वो 5 सेकंड के लिए रन कर जाएगी. फिर फाइनली आपकी P3 आएगी और वो भी कंप्लीट रन कर जाएगी. तो कोई प्रोसेस इंटरप्ट नहीं हो रही है. और आप ध्यान से देखो तो ये प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह एग्जीक्यूट हो रही है. पहले जो पहले आई वो पहले एग्जीक्यूट हो गई. एक्चुअल में जो आपकी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है वो नॉन प्रिमिटिव वर्जन है, वो प्रिमिटिव वर्जन है एफसीएफएस का. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड राउंड रॉबिन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एफसीएफएस जो है वो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है और राउंड रॉबिन एक जो है वो प्रिमिटिव एल्गोरिथम है. तो अगर टाइम स्लाइस आप बहुत ज्यादा ले रहे हो तो आपकी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बन जाएगी, आप ये देख सकते हो. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. बी कह रहा है कि अगर आप बहुत छोटा टाइम स्लाइस लेते हो तो इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है. तो बी तो ऑब्वियसली फॉल्स ही है, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा कह रहा है ए का. यूजिंग एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम स्लाइसेस इंक्रीजेस परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल गलत है. क्यों? अगर मैं बहुत छोटा टाइम स्लाइस लेट से मैंने लिया 1 नैनोसेकंड,
यानी कि आप एक नैनो सेकंड के लिए रन कर सकते हो, तो क्या होगा, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएंगे। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे होंगे, क्योंकि हर एक प्रोसेस अब सिर्फ एक सेकंड के लिए रन करेगी। पहले पी जीरो आएगी, वो जीरो से वन तक रन करेगी, क्योंकि एक प्रोसेस एक बार में वन नैनो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर सकती है, क्योंकि टाइम स्लाइस ही वन नैनो सेकंड है। फिर ये वापस रेडी क्यू में चली जाएगी, फिर पी वन आएगी वन से टू, फिर पी टू आएगी टू से थ्री, फिर पी थ्री आएगी थ्री से फोर, इसी तरह से फिर दोबारा से पी जीरो आएगी लाइक दिस, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे रन करती रहेगी, लेकिन टाइम आपकी जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होंगे बहुत ज्यादा होंगे। पहले पी जीरो से पी वन स्विच किया, फिर पी वन से पी टू, फिर पी टू से पी थ्री, पी थ्री से पी जीरो, फिर पी जीरो से पी वन, लाइक दिस बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट स्विच होंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है वो ओवरहेड है, मतलब फालतू का टाइम है, वेस्ट टाइम है। जब आप जो टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में लग रहा है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो परफॉर्मेंस तो डिक्रीज ही हो रही है, थ्रूपुट डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। यूजिंग वेरी स्मॉल टाइम स्लाइसेस कन्वर्टेड इनटू एचडीएफएस, नो इट कन्वर्ट्स इनटू एफसीएफएस। क्वेश्चन नंबर 53, द पोर्शन ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिस्पैचेस प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद व्हाट। प्रोसेस शेड्यूलर का काम क्या है, प्रोसेस शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये तीनों एक ही चीज है। तो सीपीयू जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, उसका काम क्या है, मैंने भी पिछली वीडियो में देखा था, जिस वीडियो में हम 1 से 50 तक के क्वेश्चंस के आंसर देख रहे थे। सो उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम ये है कि प्रोसेस जो रेडी क्यू में है, रेडी क्यू से प्रोसेस उठा के रनिंग के लिए ले जाना, ठीक है, ये काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो असाइनिंग रेडी प्रोसेसेस टू सीपीयू, ट्रू, सीपीयू असाइन करना प्रोसेसेस को, यही काम है किसका, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आर वेरी एप्रोप्रिएट फॉर वेरी लार्ज कंप्यूटर्स यूजिंग मिनिमल रिसोर्सेज, यूज मैनी रिसोर्सेज और ऑल ऑफ द अबव। जो कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोसेसेस बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस बहुत ज्यादा है मतलब क्या है कि जो बहुत ही लार्ज कंप्यूटर, वेरी लार्ज कंप्यूटर्स होंगे। वेरी लार्ज कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि इसके साथ बहुत सारे टास्क जो है वो पैरेलली रन कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रोसेस पैरेलली रन कर रहे होंगे, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। सो ऑप्शन इज करेक्ट। द फीफो एल्गोरिथम, वेरी सिंपल क्वेश्चन, द फर्स्ट एग्जीक्यूट द जॉब दैट केम इन लास्ट इन द क्यू, नो दिस इज लीफो। जो सबसे बाद में आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट एग्जीक्यूट द जॉब दैट केम इन फर्स्ट इन द क्यू, दिस इज ट्रू। जो पहले आएगी वो पहले रन करेगी और पहले आउट होगी। फर्स्ट एग्जीक्यूट द जॉब दैट नीड्स मिनिमल प्रोसेसर, नो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ये डेफिनेशन किसकी है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की। फर्स्ट एग्जीक्यूट द जॉब दैट हैज मैक्सिमम प्रोसेस नीड्स, ये डेफिनेशन है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट की, LJFS। क्वेश्चन नंबर 56, द स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग प्रोसेसेस दैट आर लॉजिकली रनेबल टू बी टेम्परेली सस्पेंडेड इज कॉल्ड वॉट। ऑब्वियसली प्रिमिटिव। अगर कोई प्रोसेस रन कर रही है उसको टेम्परेली हम सस्पेंड कर रहे हैं, मे बी टेम्परेली सस्पेंड करने का रीजन क्या हो सकता है, मे बी उससे हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई हो, मे बी टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया हो, मे बी प्रायोरिटी कोई नई प्रोसेस आई है जिसकी प्रायोरिटी हाई है जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उससे। तो कई सारे रीजन होते हैं किसी रनिंग जो प्रोसेस रन कर रही है उसको प्रोसेस को टेम्परेली सस्पेंड कर देने का। टेम्परेली सस्पेंड करने का मतलब यह है कि उस प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में सेंड कर देंगे और दोबारा से शेड्यूल करेंगे कभी फ्यूचर में। तो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम बोलते हैं प्रीमिटिव एल्गोरिथम्स। शेड्यूलिंग इज व्हाट, अलाउइंग अ जॉब टू यूज द प्रोसेसर, ट्रू, मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ प्रोसेसर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, नो। सो अलाउइंग अ जॉब टू यूज द प्रोसेसर इज नोन एज शेड्यूलिंग, और यू कैन से सीपीयू शेड्यूलिंग। ओके, सीपीयू शेड्यूलिंग इज अलाउइंग अ जॉब टू यूज द प्रोसेसर। जब आप रेडी स्टेट से रनिंग में जाते हो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप रेडी से रनिंग में, ये तो काम है ना शेड्यूलर का, जो प्रोसेस रेडी क्यू में उनको रनिंग में भेजना वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम्स, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। एक्चुअल में ये रेडी क्यू आपकी मेमोरी के अंदर है और ये सब प्रोसेस जो भी रेडी क्यू के अंदर है ये वेट कर रही है कि उनको सीपीयू कब मिलेगा। तो ये काम है सीपीयू शेड्यूलर का कि इनमें से प्रोसेस को सिलेक्ट करना और रनिंग स्टेट में लेके जाना, यानी कि सीपीयू असाइन करना। 58, orders are processed in the sequence they arrive if first come first serve is used। मतलब क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस पहले आई, जिस प्रोसेस द सीक्वेंस दे अराइव, जिस सीक्वेंस में वो आई है उसी ऑर्डर में हम उनको प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, दैट इज सी।
59. Which of the following algorithms tend to minimize the process flow time? हमेशा याद रखना जब भी बात होगी minimize the process flow time या फिर minimum waiting time या minimum response time. सबसे best algorithm shortest job first है. Shortest job first waiting time को minimize करेगा, response time को minimize करेगा और throughput भी सबसे अच्छा होगा shortest job first का. ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में एक कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसको हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इसका रीजन क्या है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इस जॉब का फ्यूचर में कितना ये प्रोसेस को सीपीयू चाहिए होगा. आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि प्रोसेस जो आई है उसका रनिंग टाइम कितना होगा. अंडर मल्टी प्रोग्रामिंग टर्न अराउंड टाइम फॉर शॉर्ट जॉब इज यूजुअली व्हाट एंड दैट फॉर लॉन्ग जॉब इज स्लाइटली शॉर्टर और लेंथेंड. अगर आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स एक कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं, और टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है, शेड्यूलिंग में टर्न अराउंड टाइम होता है. ओके, कई सारे टाइम्स होते हैं, जैसे टर्न अराउंड टाइम हो गया, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, कंप्लीशन टाइम. तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है कि प्रोसेस जब कंप्यूटर से गई, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब एक प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर कितनी देर रही उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम. तो अगर मल्टी प्रोग्रामिंग है तो टर्न अराउंड टाइम फॉर शॉर्ट जॉब इज यूजुअली शॉर्टर एंड दैट फॉर लॉन्ग जॉब इज लॉन्ग, दैट इज बी. 61. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ये गेट को गेट 2010 का क्वेश्चन भी है. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट लीनियर होता मे कॉज स्टारवेशन, दिस इज ट्रू. जो भी जो आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम जो है वो प्रिमिटिव वर्जन है किसका, क्रिएटिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. जो एसजेएफएस एल्गोरिथम है वो आपकी नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, लेकिन उसका नॉन प्रिमिटिव, उसका प्रिमिटिव वर्जन क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. इसमें क्या होगा कि कोई प्रोसेस है, लेट से अभी जो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, एक नई प्रोसेस आई इसका रिमेनिंग टाइम उससे कम था, तो आप उसको शेड्यूल कर दोगे जो नई प्रोसेस आई है. तो अगर आपकी लेट्स में इसमें स्टार्वेशन कैसे पॉसिबल है, स्टार्वेशन का मतलब क्या है पहले. स्टार्वेशन का मतलब ये कि अगर कोई प्रोसेस इनडेफिनेट टाइम तक वेट ही कर रही है तो प्रोसेस स्टार्वेशन में है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से प्रोसेस P0 रन कर रही थी, ठीक है, P0 भी CPU के अंदर रन कर रही है, और लेट्स से ऐसे देख सकते हैं ये CPU है और P0 रन कर रही है. P0 का टाइम है लेट से 8 नैनोसेकंड, इसका बस टाइम है 8 नैनोसेकंड. एक नई प्रोसेस आई P1 और P1 ने क्या करा, P1 का टाइम है लेट से 4 नैनोसेकंड. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किसको शेड्यूल करता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पहले उसको शेड्यूल करता है जिसका रिमेनिंग टाइम कम है. तो इसका रिमेनिंग टाइम 8 है, इसका 4 है, तो क्या करेगा प्रोसेस P0 को हटा के P1 को शेड्यूल कर देगा शेड्यूलर. अब नई प्रोसेस आई P2 का टाइम है लेट से 2 नैनोसेकंड. अब शेड्यूलर क्या करेगा, इसको हटा के P2 को डाल देगा. तो प्रोसेस P0 जो है वो रेडी क्यू में वेट ही करती रह जाएगी अगर नई प्रोसेस जो आ रही है वो उससे छोटी प्रोसेस है. अगर छोटी प्रोसेस आई जा रही है कंप्यूटर के अंदर, तो जो बड़ी प्रोसेस है, जो लॉन्गर प्रोसेस है, वो वेट करती रह जाएगी और वो हमेशा के लिए वेट करती रहेगी. स्टार्वेशन का मतलब यही है कि कोई प्रोसेस इनडेफिनेट टाइम के लिए वेट करती रही कर रही है तो वो स्टार्वेशन है. तो इसमें स्टार्वेशन पॉसिबल है. प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मे कॉज स्टार्वेशन लिखा हुआ है मे. ओके, अगर ऑलवेज लिखा होता तो ये फॉल्स होता, लेकिन मे लिखा हुआ मतलब क्या है, अगर एक भी प्रिमिटिव शेड्यूल एल्गोरिथम स्टार्वेशन आ रहा है तो मतलब ये ऑप्शन सही है. हमें पता है कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम जो है वो प्रिमिटिव एल्गोरिथम है और इसमें स्टार्वेशन है, इसलिए सेकेंड भी सही है. ठीक है, ये कह रहा है कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मे कॉज स्टार्वेशन. ओके, हमने भी देखा SRTF में. थर्ड कह रहा है राउंड रॉबिन इज बेटर देन FCFS इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स टाइम, दिस इज ट्रू. सबसे अच्छी चीज जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में है वो रेस्पॉन्स टाइम है. राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हर एक प्रोसेस को मौका देगा एग्जीक्यूट करने का, जबकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो प्रोसेस होगी, जो प्रोसेस पहले आएगी उसको एग्जीक्यूट करेगा. अगर पहली ही प्रोसेस बहुत लंबी है तो रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेस है उनके लिए. ओके, तो तीनों भी तीनों सही है, डी इज द राइट आंसर. ये 2010 का क्वेश्चन है. द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज वॉट. बिल्कुल आंख बंद करके इस ऑप्शन को मार्क कर देना. कहीं भी बेस्ट गुड और लेट्स से बेस्ट रेस्पॉन्स टाइम, बेस्ट वेटिंग टाइम कुछ भी अगर पूछे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में तो SJFS है. हर चीज के बारे में SJFS सबसे बढ़िया है.
The real difficulty with shortage of first in short term scheduling is what? जो आपकी shortage जो first algorithm है मैंने बताया था कि बहुत बढ़िया algorithm है हर चीज में बढ़िया है लेकिन इसमें एक problem है problem क्या है कि आप ये predict नहीं कर सकते हो कि अगला जो CPU burst आएगा उसकी length कितनी होगी आप कभी भी process का जो नई process आ रही है वो CPU को कितनी देर के लिए demand करेगी आप predict नहीं कर सकते हो okay? तो सबसे बड़ी problem यही है कि knowing the length of the next CPU request आप कभी नहीं जान सकते कि future में कैसी प्रोसेस आएगी कितना कितना टाइम डिमांड करेगी 64 द FCFS एल्गोरिथम इज पर्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर व्हाट अगर आप FCFS एल्गोरिथम यूज कर रहे हो और हमें पता है कि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है कैसी है नॉन प्रिमिटिव मतलब जो प्रोसेस पहले आई वो पहले एग्जीक्यूट होगी और कंप्लीट होगी बीच में आप उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते अगर वो बहुत ज्यादा टाइम डिमांड कर रही है तो उसको पूरा का पूरा टाइम देंगे तो इस तरह की जो एल्गोरिथम है जो भी नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स है वो नॉन जो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स है उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है टाइम शेयरिंग का मतलब ये है कि बिटवीन द प्रोसेसेस टाइम विल बी शेयर्ड ठीक है चाहे आपके पास में 10 प्रोसेस है 10 के 10 प्रोसेस पैरेलली रन करेगी और उनके बीच में टाइम शेयर्ड होगा मतलब कुछ टाइम के लिए एक प्रोसेस रन करेगी फिर स्विच कर जाएगी दूसरी प्रोसेस पे फिर स्विच कर जाएगी किसी दूसरी प्रोसेस पे तो कॉन्टेक्स्ट स्विच बहुत ज्यादा होते रहेंगे मतलब एक प्रोसेस बीच में इंटरप्ट होती रहेगी तो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज एक्सपी या विंडोज विस्टा या विंडोज 7 या विंडोज 10 जो आप यूज कर रहे हो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और टाइम शेयरिंग के सिस्टम्स को मल्टीटास्किंग सिस्टम्स भी बोलते हैं और आज जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं उनमें राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज करते हैं शेड्यूलिंग के लिए ओके तो ए इज द राइट आंसर Consider the following set of processes. The length of the CPU burst time is given like this. Assuming the our process being scheduled with the SJFS scheduling algorithm. तो मुझे SJFS scheduling algorithm use करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही है. Waiting time निकालना है सबके लिए. तो simply Gantt chart बनाएंगे. अगर आप Gantt chart सही बना पाते हैं, तो आप answer भी बिल्कुल सही कर पाओगे. Gantt chart में से zero से start होगा. ठीक है. और हम मान लें कि सारे के सारे process जो है वो zero पे आई है. ठीक है अराइवल टाइम इन सब प्रोसेस का जीरो है तो पहले P1 आई और एल्गोरिथम कौन सी यूज कर रहे हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट तो सारी प्रोसेस अगर जीरो पे आई है तो सबसे पहले शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कौन सी है P4 सबसे शॉर्टेज जॉब है शॉर्टेज जॉब मींस जो आपकी SJFS एल्गोरिथम है वो हमेशा बस्ट टाइम की तरफ देखेगी बस्ट टाइम मतलब सबसे शॉर्ट बस्ट टाइम किस प्रोसेस का है उसको पहले शेड्यूल करेगी तो जीरो से लेके थ्री तक आपकी प्रोसेस रन करेगी P4 अब आएगी P3 और P1 और P2 विच वन P1 विल कम क्योंकि अब तीन प्रोसेस रह गई है आपके पास में इनमें से शॉर्टेस्ट प्रोसेस कौन सी है P1 तो P1 को रन एग्जीक्यूट करेंगे जो रन करेगी 3 से 9 तक क्योंकि इसको 6 सेकंड चाहिए रन करने के लिए अब आएगी P3 रन करेगी आपकी 9 से 16 तक क्योंकि 7 चाहिए फिर फाइनली आपकी 24 तक P2 जो बची हुई प्रोसेस है अब मुझे वेटिंग टाइम देखना है तो अगर मैं P1 का वेटिंग टाइम देखूं वेटिंग टाइम ऑफ P1 वेटिंग टाइम मतलब क्या है कि प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है और उसका कंप्लीशन टाइम उसका रेस्पॉन्स टाइम क्या है प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम था 0 और रेस्पॉन्स मिला उसको P3 पे तो 3 - 0 ये है इसका वेटिंग टाइम ऑफ P2 कितना है P2 का वेटिंग टाइम है प्रोसेस P2 0 पे आई थी और CPU मिला है उसको 16 पे रेस्पॉन्स मिला है 16 पे तो 16 - 0 दैट इज 16 वेटिंग टाइम ऑफ P3 कितना होगा 0 पे आ गई थी और रेस्पॉन्स कब मिला 9 पे तो 9 - 0 = 9 वेटिंग टाइम ऑफ P2 कितना होगा वेटिंग टाइम ऑफ P4 को रेस्पॉन्स मिला 0 पे और आई गई थी वो 0 पे ही तो इसको कुछ वेट नहीं करना पड़े तो अब देखते हैं द वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 इज 3 ms बिल्कुल सही है द वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस P1 इज 0 ms नो द वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 इज 16 ms नो सो ऑप्शन इज करेक्ट प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग इज समटाइम्स कॉल्ड व्हाट मैंने अभी बताया था जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो एक्चुअल में नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है नॉन प्रिमिटिव इसका ही एक वर्जन है प्रिमिटिव वर्जन इसके प्रिमिटिव वर्जन को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट
या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट लाइक दिस, वहीं बहुत सारे नाम है, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जहाँ भी होगा समझ जाना कि ये एसजेएफएस का प्रीमेटिव वर्जन है। ओके तो इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही होगा। एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम इज सिंपली अ प्रायोरिटी एल्गोरिथम फ्रॉम वेयर द प्रायोरिटी इज शॉर्ट। ये कह रहा है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम जो है वो एक्चुअली प्रायोरिटी एल्गोरिथम की तरह ही है, जिसमें हम प्रायोरिटी कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्राइटेरिया क्या है शेड्यूल करने का, हम देखते हैं शॉर्टेस्ट जॉब क्राइटेरिया है शॉर्टेस्ट जॉब। शॉर्टेस्ट जॉब किस बेसिस पे देखते हैं, इसमें पहले वो एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस जिसका शॉर्टेस्ट, जिसका टाइम एग्जीक्यूशन टाइम और यू कैन से बर्स्ट टाइम सबसे शॉर्ट होगा, तो क्राइटेरिया है इसका बर्स्ट टाइम। तो जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, इसकी जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे लो होगी, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये प्रायोरिटी की तरह ही है जैसे जिसमें हम प्रायोरिटी बर्स्ट टाइम के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में ये प्रोसेसेस है, इसमें बर्स्ट टाइम दिया हुआ है और मैं प्रायोरिटी देखता हूँ, प्रायोरिटी में खुद से देख रहा हूँ, प्रोसेस P0, P1, P2, P3 ये प्रोसेसेस है और बर्स्ट टाइम है कुछ ऐसे, अब मुझे प्रायोरिटी लिखनी है, तो P0 की प्रायोरिटी क्या होगी सबसे हाईएस्ट, ओके P1 की सेकंड हाईएस्ट, P2 ओके दिस इज लोवेस्ट एंड दिस इज हाईएस्ट। तो लोअर नंबर का मतलब क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी मीन सबसे हाई प्रायोरिटी इसकी है P3 की, क्यों, क्योंकि बस टाइम सबसे छोटा है। सबसे वर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे लो प्रायोरिटी किसकी है जिसका बस टाइम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका है 10, सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 3, सबसे सबसे लो प्रायोरिटी होगी P1 की, तो हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं बस टाइम के बेसिस पे, सो द आंसर इज सी। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज दैट व्हाट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की एक प्रॉब्लम है और हमने अभी देखी थी वो प्रॉब्लम क्या है, वही प्रॉब्लम लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की भी है। तो बहुत सारी जो प्रिमिटिव एल्गोरिथम है उनकी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है स्टार्वेशन। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होगा, लेट से कोई प्रोसेस रन कर रही है P0, हमने CPU के अंदर एक प्रोसेस रन कर दिया, CPU के अंदर P0 रन कर रहे हैं, एक नई प्रोसेस आई और इसकी हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी होगी कुछ, क्योंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, इसकी प्रायोरिटी है लेट से 0 प्रायोरिटी है जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है। एक प्रोसेस आई नई जिसकी प्रायोरिटी लेट से दिस इज P8, इस P8 का मतलब है प्रोसेस P की प्रायोरिटी है 8, एक नई प्रोसेस आई P6 क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अगर नंबर लोअर नंबर है तो मतलब प्रायोरिटी ज्यादा है, जितना कम नंबर होगा उतनी प्रायोरिटी ज्यादा, जितना नंबर हाई होगा उतनी प्रायोरिटी लो होगी। तो जब नई प्रोसेस आई हाई प्रायोरिटी के साथ में तो आप किसको शेड्यूल करोगे, P6 को। फिर ऐसे ही जब ये प्रोसेस P6 रन कर रही थी P5 जिसकी हाई प्रायोरिटी थी तो आप P5 को शेड्यूल कर दोगे। तो जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो क्या करेगी, वो स्टार्व करती रह जाएंगी। अगर आपके सिस्टम के अंदर नई प्रोसेस आ रही है हाई प्रायोरिटी के साथ में तो जो प्रायोरिटी, जिनकी प्रायोरिटी लो थी उनको कभी मौका ही नहीं मिलेगा एग्जीक्यूट करने का, तो वो वेट करता रह जाएगी इंडेफिनेट टाइम के लिए। इंडेफिनेट टाइम के लिए वेट करने का मतलब क्या है, स्टार्वेशन। इट शेड्यूल्स इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर, इट शेड्यूल टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम मोर, इट कैन लीड टू सम लो प्रायोरिटी प्रोसेस वेटिंग इंडेफिनेटली फॉर द सीपीयू, द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, स्टार्वेशन, वेटिंग इंडेफिनेटली, इसी का मतलब है स्टार्वेशन। जब वेटिंग टाइम पे कोई डेफिनेट आपको पता नहीं है कितना वेट करना है, इनडेफिनेट टाइम के लिए वेट करे जा रही है, तो उसको बोलते हैं स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का एक सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं एजिंग, वो हमें भी देखेंगे अगले क्वेश्चंस में। 69, एजिंग इज व्हाट, अब एजिंग एक सॉल्यूशन है स्टार्वेशन का। हम ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस का जितना वेटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है उसका प्रायोरिटी उतनी बढ़ाते चले जाओ। तो आप क्या करोगे, कोई लेट से अभी मैंने देखा था कि अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ रही है तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो वेट ही करती रह जाएंगी। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जितना टाइम वो वेट कर रही है उतना उनकी प्रायोरिटी बढ़ाते चले जाओ, तो जो प्रोसेस सबसे ज्यादा वेट कर रही होगी उसकी प्रायोरिटी हाई होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, उसको टाइम, उसको एक
सीपीयू एक टाइम के बाद में उसको मिल जाएगा, उसको अलोकेट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्रायोरिटी है उसको स्टेटिक नहीं रख रहे हैं, उसको डायनेमिक बना रहे हैं। प्रायोरिटी को डायनेमिक बनाने का मतलब क्या है, प्रायोरिटी को डायनेमिक बनाने का मतलब ये है कि जो आपकी प्रोसेस की प्रायोरिटी है उसको चेंज करते रहो वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंगली, जितना ज्यादा वेटिंग टाइम उतनी प्रायोरिटी बढ़ाते चले जाओ, उसको बोलते हैं एजिंग। सो कौन सा ऑप्शन सही है, कीपिंग ट्रैक ऑफ कैश कंटेंट, नो। कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट पेजेस आर करंटली शेडिंग मेमोरी, कीपिंग ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स अ पेज इज रेफरेंस, कोई इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ जॉब्स टू इंश्योर टर्मिनेशन इन ए फाइनाइट टाइम, दिस इज ट्रू। फाइनाइट टाइम में इसको हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, यानी कि नो स्टार्वेशन। फाइनाइट टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब क्या है, नो स्टार्वेशन। तो स्टार्वेशन के का सॉल्यूशन है एजिंग, उसकी डेफिनेशन है ये। अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस, हमें पता है क्या है, अभी हमने देखा है एजिंग। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस, ये पूरी डेफिनेशन है स्टार्वेशन की, इंडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस। और सॉल्यूशन क्या है इसका, एजिंग। Which of these following scheduling algorithms gives minimum average waiting time? Okay, मैंने भी बात की थी minimum average time, minimum response time, जहां भी बात है simple सा shortage job first। Question number 72, concurrent access to shared data may result in what? अगर कोई data है और दो process उस data को parallel access कर दिए, ठीक है, let's say मेरे पास में एक variable है int a और मैंने initialize किया है इसको 5, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से वैल्यू है 6। अब ये कर रहा है ए माइनस माइनस और ये कर रहा है ए प्लस प्लस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों पैरेलली इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसमें इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। कैसे इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, अगर मैं इसको मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करूं तो कैसे होगा, ये मूव पहले ए को हम रजिस्टर के अंदर लेके जाएंगे, फिर इसको डिक्रीमेंट करेंगे, फिर फाइनली स्टोर करेंगे। ओके, ये है आपकी सोर्स और ये है डेस्टिनेशन, यानी कि ए कहां स्टोर होगा, आर वन के अंदर। ओके, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मींस ए इज गोइंग टू आर वन और यहां पे ए इज गोइंग टू आर वन इज गोइंग टू ए, फाइनली वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है। तो ये तीन इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन के लिए, ये लो लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन बनेंगे। इसकी बात करूं तो पहले क्या होगा, मूव ए टू आर टू, एक प्रोसेस है अलग तो अलग रजिस्टर्स यूज करेंगे, इंक्रीमेंट क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद में स्टोर आर वन इन लेट से ए आर टू इन ए। तो क्या हो सकता है, जब कोई प्रोसेस रन कर रही है, जब से कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच पॉसिबल है। लेट से आपने क्या किया, आपने पहले ही दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे प्रोसेस पी जीरो के, उसके बाद में आप स्विच कर गए यहाँ पे, फिर आपने मूव किया, इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद में आपने क्या करा, फाइनली स्टोर किया, ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद में आप यहाँ पर पहुंच गए। तो फाइनल वैल्यू क्या हुई ए की, ए की फाइनल वैल्यू हुई क्या, जब यहाँ पे आपने डिक्रीमेंट किया था, यहाँ पे आपने ए को आर वन के अंदर स्टोर किया और फिर डिक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू गई है R2 के अंदर वो एक्चुअल में क्या वैल्यू गई है, वो 5-6 ही गई है। क्यों, क्योंकि अभी तक आपने स्टोर नहीं किया था उस वैल्यू को, अभी तक वो वैल्यू रजिस्टर में ही थी जो आपने डिक्रीमेंट की थी। यहाँ पे क्या हुआ, मूव R2 इन A, A जो है आपका R2 में गया, उसके बाद में R2 इंक्रीमेंट हुआ, फाइनली R2 जो है वो स्टोर हुआ रजिस्टर A के अंदर, तो वैल्यू स्टोर हुई 7। एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी, एक्चुअल में स्टोर होनी चाहिए थी 6, क्योंकि एक बार यहाँ डिक्रीमेंट हुआ है फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। तो ये इनकंसिस्टेंसी है। तो जो शेड डेटा है हम तभी कहते हैं कि जब जो शेड डेटा है वो हमेशा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होना चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होने का मतलब क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, जब आपने कोई शेड डेटा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रख दिया है, क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि जो भी शेड डेटा होगा वो हमेशा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रखा जाएगा, उसको हम अगर यूज करेंगे मॉडिफाई करेंगे तो हमेशा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर करेंगे। उसके बाद में हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहता है कि ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन द क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करना पड़ेगा आपको। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मींस एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो सकती है।
ठीक है, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकती है अगर आप कॉन्करेंट एक्सेस कर रहे हो शेयर डेटा को, ये प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल यूज करते हैं। अ सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा कॉन्करेंटली एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच एक्सेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेस कंडीशन। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने एग्जाम्पल दिया था। अगर आपके पास में दो प्रोसेस है P0 एंड P1, P0 का कोड लाइक दिस है, प्रिंट एफ 0, प्रिंट एफ 0, और यहां पर है प्रिंट एफ 1 एंड देन प्रिंट एफ 1। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा P0 प्रोसेस का? कोई भी बता सकता है क्यों? क्योंकि इनका जो आउटपुट होगा इस पूरे दो इन दो प्रोसेस का आउटपुट हमेशा डिपेंड करेगा कि ये किस ऑर्डर में रन कर रही है। वो ही ये कह रहा है, जहां पे बहुत सारे प्रोसेस सेम डेटा को यूज कर रही है, द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द एक्सेस टेक्स प्लेस। तो अगर मैं P0 पहले रन करता हूँ और फिर P1 रन करता हूँ तो आउटपुट आएगा 0011। अगर मैं पहले P1 रन करता हूँ फिर P0 तो क्या आउटपुट आएगा 1100। अगर मैं ऐसे करता हूँ अल्टरनेट में, मतलब पहले एक इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट किया फिर स्विच कर गया यहाँ पर, फिर यहाँ से स्विच कर गया यहाँ पर, फिर यहाँ से स्विच कर गया यहाँ पर, तो अगर मैं ऐसे करूँ P0 फिर P1 फिर P0 का एक इंस्ट्रक्शन फिर P1 का एक इंस्ट्रक्शन, तो होगा 0101। अगर मैं ऐसे करता हूँ P1 P0 P1 P0 तो आउटपुट आएगा 1010। ठीक है, तो जो फाइनल आउटपुट है वो यूनिक नहीं है, चार आउटपुट आ रहे हैं यहाँ पे भी, तो आउटपुट यूनिक नहीं है। एक्चुअली में आउटपुट डिपेंड कर रहा है किस ऑर्डर में मैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। 74, द सेगमेंट ऑफ कोड इन विच द प्रोसेस मे चेंज कॉमन वेरिएबल अपडेट टेबल्स राइट इन टू फाइल्स इज नोन एज व्हाट। अभी मैंने बताया था क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन, जो भी शेयर्ड डेटा होगा वो हमेशा क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस करेंगे इनकंसिस्टेंसी से बचने के लिए। ठीक है, हमने भी देखा था एक प्रॉब्लम थी जब कोई शेयर्ड डेटा कॉन्करेंटली प्रोसेस शेयर करती है और वो उसको यूज कर रही है, अगर दो प्रोसेस कॉन्करेंटली यूज कर रही है और दोनों प्रोसेस सेम डेटा को यूज कर रही है तो एक प्रॉब्लम होगी, वो है डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? उसका सोल्यूशन ये है कि आप क्रिटिकल सेक्शन में रखो उस डेटा को और एक टाइम पे एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुस सके, ठीक है, उसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। द फॉलोइंग थ्री कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तीन कंडीशंस हैं, वो हमें पता है कौन कौन से, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट एंड बाउंडेड वेटिंग। ठीक है, ऑल ऑफ दी मेंशनड अबव, ये तीन कोई भी अगर आपके पास में सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन का तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कई तरह के सॉल्यूशंस हैं, हमने पहले भी डिस्कस किए थे। वो सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? या तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइड करे और इस प्रोवाइड करता है सीमाफोर, या फिर हार्डवेयर प्रोवाइड करे, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है एक इंस्ट्रक्शन TSL जो कि एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है, मींस जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो कोई इंटरप्ट नहीं आ सकता है। सॉफ्टवेयर भी कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तीन एल्गोरिथम्स है हमारे पास में, पीटरसन एल्गोरिथम, डेक्टर्स एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद में कंपाइलर भी कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है लाइक मॉनिटर्स, मॉनिटर जो सॉल्यूशन है वो कंपाइलर का सॉल्यूशन है। तो क्रिटिकल सेक्शन की कोई भी सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड कर रहा है वो तीन चीज सेटिस्फाई करना चाहिए हर एक सॉल्यूशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट एंड बाउंडेड वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 76, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लाइज दैट इफ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो, तो बिल्कुल सही डेफिनेशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो मैंने अभी बताई थी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की डेफिनेशन क्या है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हो सकती है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। बाउंडेड वेटिंग इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ बाउंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम अ प्रोसेस इज अलाउड टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ओके, आफ्टर अ प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड व्हेन अनदर प्रोसेस इज इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन।
before a process has made a request to enter its critical section. Bounded waiting का मतलब क्या है कि एक process कितनी बार wait कर रही है उसका bound होना चाहिए. ठीक है. Bounded waiting implies that there exists a bound on the number of time a process is allowed to enter its critical section. ऐसा ना हो कि एक ही process बार बार critical section में जा रही है और बाकी process को मौका ही नहीं मिल रहा है. ठीक है. तो एक bound होना चाहिए कि एक process कितनी बार critical section में जा सकती है अपने. ठीक है. After process has made a request to enter its critical section and before the request is granted. When another process is in its critical section, before a process has made a request to enter its critical section. C is the right answer. कोई process अगर critical section के लिए demand कर रही है, तो हम पहले देखेंगे कितनी बार पहले जा चुकी है. Infinite time के लिए हम किसी भी process को critical section में allow नहीं कर सकते. Question number 78. A number of minimum number of variable is are required to be shared between processes to solve the critical section problem. मिनिमम तो 1 होना चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं. अगर मिनिमम एक वेरिएबल भी शेयर कर रहे हो तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बन जाएगी. इन द बेकरी एल्गोरिथम टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ईच प्रोसेस इज पुट इनटू अ क्यू एंड पिक्ड अप इन एन ऑर्डर्ड मैनर. ईच प्रोसेस रिसीव्स अ नंबर मे और मे नॉट बी यूनिक एंड द वन विद द लोएस्ट नंबर इज सर्व्ड नेक्स्ट. तो बेकरी एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, बेकरी एल्गोरिथम में हम बहुत सारी प्रोसेस लेट से ऐसा हमारे पास में इतनी प्रोसेसेस हैं P0, P1, P2, P3 ये प्रोसेसेस हैं. तो बेकरी एल्गोरिथम क्या करती है, जिस प्रोसेस का सबसे लो नंबर है जैसे P0 का सबसे लो नंबर है पहले उसको एग्जीक्यूट करेगी क्रिटिकल सेक्शन में. तो सबकी सब रिक्वेस्ट करेगी कि हमें क्रिटिकल सेक्शन में जाना है. लेकिन बेकरी एल्गोरिथम किसको चूज करती है, पहले जिसका नंबर सबसे कम है यानी कि जिसकी प्रोसेस आईडी सबसे कम है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2011 से भी है और यूसीनेट 2013 में भी पूछा गया है क्वेश्चन. लेट द टाइम टेकन टू स्विच फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बी T1. ओके, T1 क्या टाइम है, मूव करना स्विच करना फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड. व्हाइल टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन टू यूजर प्रोसेसेस बी T2. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. जो T1 है ये टाइम लग रहा है हमारा यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करने के लिए. और जो टाइम लग रहा है दो प्रोसेस के बीच में स्विच करने में वो है T2. ठीक है. तो ये यूजर मोड और कर्नल मोड क्या है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में दो मोड होंगे, यूजर मोड एंड कर्नल मोड. जितने भी आपके पास में इंस्ट्रक्शंस हैं एक कंप्यूटर के अंदर जितने मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो दो मोड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूजर मोड या कर्नल मोड. कर्नल मोड वो मोड है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मोड में रन कर सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को फुल पावर है कि वो हार्डवेयर को कैसे भी यूज करे. तो कर्नल मोड में आप सारे के सारे मशीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो. कर्नल मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है और जिसे पूरा एक्सेस है किस चीज का, कंप्यूटर के हर एक हार्डवेयर का. यूजर मोड में यूजर की प्रोसेस रन करती है और यूजर मोड में जो प्रोसेस रन कर रही है वो प्रोटेक्टिव इंस्ट्रक्शंस जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक्सेस नहीं कर सकता है. यूजर मोड में सिर्फ यूजर प्रोसेस रन कर सकती है. कर्नल मोड में क्या होगा, कर्नल मोड में सिर्फ प्रोटेक्टेड कोड जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है या फिर कुछ इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स है वो ही एग्जीक्यूट कर सकती है कर्नल मोड के अंदर. तो अगर आपको यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करना है तो आपको एक बिट सेट करनी होती है, मोड बिट बोलते हैं उसको. और ये मोड बिट है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. ठीक है, ये वर्ड है 8 बिट का, 1 बाइट का, या फिर किसी कंप्यूटर में 16 बिट का है या फिर कहीं 32 बिट का है, यहाँ पे कहीं एक बिट है. ठीक है, इस बिट को अगर आप 0 से 1 चेंज कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे यूजर मोड में, अगर 1 से 0 कर दोगे तो पहुंच जाओगे कर्नल मोड में. तो सिंपली अगर आपको यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करना है या फिर कर्नल मोड से यूजर मोड में स्विच करना है तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, आपको सिंपली एक बिट चेंज करनी है, कुछ नहीं करना है. लेकिन अगर आपको दो प्रोसेस के बीच में स्विच करना है तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा. पहले यार करना पड़ेगा, लेट से आपके प्रोसेस P0 एंड T1 थी, P0 रन कर रही थी, अब आपको स्विच करना है P2 पे. तो P2 पे स्विच करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस प्रोसेस को सेव करो. ठीक है, इसका पूरा डेटा सेव करो. उसके बाद में सेव करने के बाद में आप किसके पास जाओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाओगे. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, फिर स्विच करेगा P1 पे. तो P1 पे स्विच टेस्ट करोगे आप, यहाँ पे P1 पे स्विच कर जाओगे, यहाँ से P1 करना स्टार्ट करेगी, यहाँ से आप P1 का जो PCB है वो रिस्टोर करोगे.
रजिस्टर मतलब जो इसके कोड है या जो उसका एड्रेसेस है, जो उसकी स्टैक की वैल्यूज है, रजिस्टर की वैल्यूज है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यूज है, वो सब की सब रिस्टोर करोगे, उन सबको लेके आओगे मेमोरी के अंदर। तो दो प्रोसेस के बीच में स्विच करना बहुत बड़ा काम है, जबकि इन दो यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करना बहुत ही छोटा काम है, यानी कि T1 में टाइम कम लगेगा इन कंपैरिजन टू T2। तो उसका आंसर होगा सी। सिस्टम कॉल्स आर यूजुअली इनवोक्ड बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सिस्टम कॉल्स को हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ही बोलते हैं। इस तरह से आपके पास में आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर की आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सर्विस यूज करनी है तो आप सिस्टम कॉल्स के थ्रू करोगे। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स। तो थ्रेड दो तरह की होती है, यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स। कॉन्टेक्स्ट स्विच इज फास्टर विद द कर्नल सपोर्टेड थ्रेड्स। नो, फॉर यूजर लेवल थ्रेड्स अ सिस्टम कॉल कैन ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। This is true. Kernel supported threads can be scheduled independently. ये भी सही है. User level threads are transparent to the kernel. ये भी सही है. तो इसका आंसर है A. जो user level thread होगी, उनका उन एक user level पे threading करना ये काम है programmer का. ठीक है. तो operating system कुछ नहीं जानता है user level thread के बारे में. Operating system को लगेगा कि एक process run कर रही है. Actual में यूजर ने क्या किया हुआ है, मल्टी थ्रेडिंग की हुई है। लेट्स उसने जावा के थ्रू एक मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो अगर उसने मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम लिखा हुआ है तो प्रोसेस जो बनेगी, प्रोसेस सिस्टम क्रिएट होगी, तो बहुत सारे थ्रेड्स बना देगी। ओके, T1, T2, T3 लाइक दिस, और ये पैरेलली रन करेगी सारे थ्रेड्स। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं होगा कि इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि मैंने प्रोसेस शेड्यूल की है, उसको पता ही नहीं होगा कि थ्रेड्स भी बनी हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि जो यूजर लेवल थ्रेड्स होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी कर्नल को। कर्नल की जब बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कर्नल। ठीक है, तो कर्नल का काम है शेड्यूल करना प्रोसेस को, और जो आपकी रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना, रिसोर्सेज को अलोकेट करना, ये सब काम है कर्नल का, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कर्नल। ठीक है, तो जो आपकी यूजर लेवल थ्रेड्स हैं वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी इसको कर्नल को। ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ समझ जाना उल्टा है बिल्कुल, मतलब नॉट विजिबल। यूजर लेवल थ्रेड्स आर नॉट विजिबल टू कर्नल। नॉर्मल लाइफ में ट्रांसपेरेंट का मतलब कुछ और ही होता है। तो सेकंड है, कर्नल सपोर्टेड थ्रेड्स कैन बी शेड्यूल इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि जो कर्नल थ्रेड्स हैं वो कर्नल को विजिबल है, तो कर्नल क्या कर सकता है, उनको हर एक थ्रेड को इंडिविजुअली शेड्यूल कर सकता है। लेकिन जब बात आएगी यूजर लेवल थ्रेड की, तो उसको कर्नल को पता नहीं है कि प्रोसेस है या इस प्रोसेस की और भी थ्रेड्स हैं, उसको लगेगा कि सिंगल प्रोसेस है, इसलिए वो प्रोसेस को ही शेड्यूल करेगा। फॉर यूजर लेवल थ्रेड्स अ सिस्टम कॉल कैन ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। क्यों? अगर किसी एक थ्रेड ने भी कोई सिस्टम कॉल ली तो क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस ब्लॉक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्नल को लगेगा कि ये पूरी प्रोसेस ने इसको सिस्टम कॉल की है। कर्नल को तो प्रोसेस के बारे में पता है, उसको शेड्यूल, उसको थ्रेड्स के बारे में पता है, थ्रेड्स के बारे में सिर्फ इसको पता है, यूजर प्रोसेस को पता है कि हाँ मेरी थ्रेड्स हैं, बाकी कर्नल को लग रहा है कि प्रोसेस को ही रन कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड बाय द थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस। एक प्रोसेस की अगर सेम थ्रेड्स हैं तो हर एक थ्रेड का जो वो शेयर करेगी और क्या शेयर नहीं करेगी। एक प्रोसेस है, लेट्स इसकी कुछ थ्रेड्स हैं, इस प्रोसेस की तीन थ्रेड बनी T1, T2, T3। तो हर एक थ्रेड का स्टैक अपना होगा। ओके, हर एक थ्रेड का एक अपना स्टैक होगा, लेकिन वो एड्रेस स्पेस, ओपन फाइल्स सब कुछ शेयर करेगी। एड्रेस स्पेस सब थ्रेड सेम एड्रेस स्पेस यूज करेगी। ठीक है, फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल, फाइल जो आपकी फाइल्स होंगी सब सेम यूज करेगी, मैसेज क्यू सब सेम यूज करेगी। सिर्फ स्टैक ही ऐसा होगा जो थ्रेड्स शेयर नहीं करेगी, जिनका अपना होगा, हर एक थ्रेड का अपना अलग स्टैक होगा। तो इज द राइट आंसर, स्टैक शेयर नहीं किया जाता है। थ्रेड्स ऑफ ए प्रोसेस शेयर, हर एक थ्रेड किसी भी प्रोसेस की सब कुछ शेयर करेगी एक्सेप्ट स्टैक, जो मैंने अभी बताया। हीप भी शेयर करेगी ग्लोबल वेरिएबल्स भी, उसका एड्रेस स्पेस भी, उसकी टेबल्स भी, उसकी फाइल्स भी, डिवाइसेस भी, सब कुछ यूज करेगी।
which of the following is are shared by all threads in a process. जितनी भी थ्रेड है किसी प्रोसेस की वो क्या क्या चीजें शेयर करेगी. हर एक थ्रेड का अपना स्टैक होगा, अपना प्रोग्राम काउंटर होगा और अपने रजिस्टर्स होंगे, बस एड्रेस स्पेस शेयर करेगी. ठीक है, ये तीन चीजें उसका अपना होगा और बहुत सारी चीजें वो शेयर भी करेगी, जैसे एड्रेस स्पेस हो गया, फाइल टेबल हो गई और फाइल्स हो गई. ओके, ये सब चीजें वो शेयर करेगी. तो सिर्फ एड्रेस स्पेस ही ऐसा है जो वो शेयर करेंगी, दिस मीन्स थर्ड, दिस इज द राइट आंसर.